जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन 10,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, बड़ी घोषणा हुई है। जो कि अभी भी हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपए यानी सरकार बनने पे मिलेगी। तो वही बात करते हैं, हरियाणा में इनेलो की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अगर इनेलो की प्रदेश में सरकार बनती है तो बुढ़ापे पेंशन को सीधा 10,000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। आज वो बड़वा हल्के के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार विकास कराने के लिए कर्जा लेती है, लेकिन प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार जिसकी पिछले कर्ज की अदायगी लगभग 56,000 करोड़ बनती है, उसको चुकाने के लिए 55,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। सरकार ने पिछले 7 सालों में 1,40,000 करोड़ का कर्ज लिया है, लेकिन एक पैसा भी कहीं सरकारी इमारत या यूनिवर्सिटी या खेल स्टेडियम पर खर्च नहीं किया गया है। यह बात है इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को दुधवा गांव में आयोजित पार्टी के बड़वा हल्का के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि बजट में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई, केवल इनेलो के ही बुढ़ापा पेंशन का महत्व समझती है, इसलिए प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पे बुढ़ापा पेंशन सीधा 10,000 रुपये की जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को न तक देखें, एटी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।